गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा. यस्टरडे वी स्टार्टेड विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई एंड इट्स इंपैक्ट ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम. देयर आर फर्दर टू केसेस. वन इज साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई एंड अनदर इज साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई. देखो हमें ये देखना है कि अगर डिमांड इंक्रीज होती है कॉन्सिक्वेंटली सप्लाई में भी इंक्रीज आता है तो उसका मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. सो इट इज वेरी मच क्लियर व्हेन इट इज मेंशन दैट देयर इज साइमल्टेनियस इंक्रीज. तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज बाउंड टू इंक्रीज. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज ही होगी या नहीं. लिखा है ना साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई. तो जब सप्लाई बढ़ रही है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज बाउंड टू इंक्रीज. बट व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस. सो दैट डिपेंड्स वेदर इंक्रीज इन डिमांड is equal to increase in supply or increase in demand is greater than increase in supply or increase in demand is less than increase in supply. In teenon situations mein equilibrium price ke upar impact different padega. ये तीन पॉसिबल सिचुएशंस हैं या नहीं. जब डिमांड इंक्रीज करेगी सप्लाई भी इंक्रीज करेगी बट वी कांट से हाउ मच विल बी द इंक्रीज इन सप्लाई एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. सपोजिंग मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ी 30% एज ए रिजल्ट उसकी सप्लाई भी बढ़ गई 30%. सेकेंड सिचुएशन डिमांड बढ़ी 30% सप्लाई बढ़ी सिर्फ 20%. अनदर सिचुएशन डिमांड बढ़ी 30% सप्लाई बढ़ गई 50%. ठीक है. सो द इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी डिफरेंट. क्या रहेगा वो हम डायग्रामेटिकली देखेंगे लेकिन एक थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करके देखो आपको क्या लगता है इस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. इट विल रिमेन द सेम नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस. इन दिस केस डिमांड में इंक्रीज ज्यादा है सिचुएशन सी देयर विल रिमेन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड रहेगी ना. डिमांड 130 हो गई सप्लाई 120 है. एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अभी भी तो एक्सेस डिमांड में क्या होता है प्राइसेस राइज कर. इन दिस केस एक्सेस सप्लाई द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई डिमांड हो गई 130 सप्लाई हो गई 150. सो एक्सेस सप्लाई में क्या होता है प्राइसेस फॉल हो गए. अब इसको हम डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. सो लिख लो पहले व्हेन देयर इज साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई व्हेन देयर इज साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस बट द चेंज इन प्राइस यहां ऐसे लिखो बट द इक्विलिब्रियम प्राइस मे रिमेन कॉन्स्टेंट मे इंक्रीज may decrease.
there are three possible situations. Number one, increase in demand is equal to increase in supply. When, underline karke likho, when the proportionate change in demand, when the proportionate change in demand is followed by equiproportionate change in supply, when proportionate change in demand is followed by equiproportionate change in supply, equilibrium price remains unchanged. Equilibrium price remains unchanged as shown with the help of following diagram. Diagram banayenge. X-axis per quantity, y-axis per price, cross banega. Yes. इक्विलिब्रियम वर्ड आया, क्रॉस बना लिया, इक्विलिब्रियम रेस्ट्स एट ई, ओएम इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस. नाउ सी देयर आर टू वेज ऑफ मेकिंग दिस डायग्राम. अब आपको ये शो करना है अगर डिमांड में इतना इंक्रीज आया और सप्लाई में भी इतना इंक्रीज आया है ना, तो इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. सो वन वे इज आप D1 D1 बना लो, फिर S1 S1 भी उतने स्केल से मेजर कर लो कितना डिस्टेंस है, उतने मेजर पे ही S1 S1 राइटवर्ड शिफ्ट करके बना लो, और जहां पे ये दोनों कर्व्स क्रॉस करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम. बट वी नो दैट इट विल रिमेन सेम. अगर आपको याद है कि इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने ई से एक्सटेंड कर देनी है एक लाइन E1 तक, ऐसे करो ई से ही ई आपका हमेशा. बेटे जब ये डायग्राम ड्रॉ करते हो ना, एक चीज ध्यान में रखा करो कि जो इक्विलिब्रियम है ना, जैसी आपकी कॉपी लाइंड है ना, ऐसे है ना, तो क्या किया करो, पहले ई निकाल लिया करो, ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाइन खींचा करो, लाइन के ऊपर लाइन खींचो, आपका डायग्राम बेटर लगेगा. ऐसे पहले वो बना लिया बॉक्स, उस बॉक्स से आपने क्रॉस बना लिया, फिर इसी बॉक्स को एक्सटेंड कर दिया आगे, और यहां से एक अनदर क्रॉस बना दिया. गेटिंग माय पॉइंट. अब नेक्स्ट डायग्राम जब बनाओगे तो ये ध्यान में रखना कि लाइन के ऊपर आपका ई आए. अब ये देखो, ये एक्सटेंड कर दिया, अब यहीं से आपने D1 D1 ड्रॉ करना है, E1 को टच करता हुआ जाए. मैं डॉटेड बनाने की, यहाँ आप डॉटेड बना लोगे बेटर रहेगा, पता चल जाता है एग्जामिनर को के राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है. नहीं भी बनाओगे इवन देन मेक्स नो डिफरेंस, बट थोड़ी सी डायग्राम की क्लैरिटी हो जाती है. S1 S1 D1 D1 both intersect at point E1. Corresponding to E1, equilibrium quantity M1 कुछ नहीं होता डायग्राम में. अगर मैंने यहाँ पे स्केल लिया ना, यहाँ पे 50 आ रहा है, 50 कह सकते हो. अगर स्केल नहीं लिया, M1 लिखा है तो M1 नहीं कहना, इट इज दिस डिस्टेंस OM1.
and equilibrium price remains the same. Yes, हो गया प्रूफ. अब डायग्राम बनाने का तरीका मैं एक बार फिर से यहां पे बता रही हूं आपको, देख लीजिए. बनाया ये, उसके बाद थर्ड लाइन ले लो, थर्ड लाइन से एक रेक्टेंगल बना लो. रेक्टेंगल को दो हाफ्स में डिवाइड कर दो, ठीक है. ये ई है, ये ई वन है. एक क्रॉस ई से लगा दो, दूसरा क्रॉस ई वन से लगा दो. पहला क्रॉस डी डी एस एस, दूसरा क्रॉस डी वन एस वन एस वन. ये बन जाएगा आपका डायग्राम. क्या किया, बॉक्स लिया, बॉक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया. पहला ई, पहले को ई लिख दिया, दूसरे को ई वन. एक क्रॉस ई से, दूसरा क्रॉस ई वन से. क्लियर है? इसकी एक्सप्लेनेशन, एक की एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगी, बाकियों की आप खुद करेंगे. मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, बुलेट्स में लिखा करो, इजी लर्न हो जाता है. मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई. मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई. कॉरेस्पॉन्डिंग टू ई, OP is the equilibrium price. Market is in equilibrium at point E. Corresponding to E, OP is the equilibrium price and OM is the equilibrium quantity. With increase in demand and supply, both shift towards right. New demand curve D1, new demand curve D1, intersects new supply curve S1. At point E1, next bullet corresponding to E1, OM1 is the equilibrium quantity and OP is the equilibrium price. EP लिख लिया करो बेटे, equilibrium price को EP, equilibrium quantity को EQ. Thus, next bullet, thus, it is clear when increase in demand is equal to increase in supply, EP remains the same, your constant, that is OP. EQ increases to OM1. Thus, it is clear that when increase in demand is equal to increase in supply, equilibrium price remains the same, that is OP, and equilibrium quantity increases to OM1. ठीक है? Second case करते हैं. Increase in demand greater than increase in supply. When with proportionate change in demand, there is less than proportionate change in supply,
equilibrium price will increase as shown with the help of following diagram. Then, with proportionate change in demand, there is more than proportionate, sorry, less than proportionate change in supply, EP will increase as shown with the help of following diagram. So diagram banaye, axis banao sabse pehle. और अब कैसे क्रॉस पता चल गया? क्रॉस एक बॉक्स बनाना है, बहुत बड़ा नहीं बनाना इस केस में, स्मॉल बॉक्स ओ पी ई एम, और इस ई से क्रॉस डी डी एस एस. इक्विलिब्रियम वर्ड जहां पर आ गया वहां पर ये क्रॉस डायग्राम बनना ही बनना है, ठीक है? यहां तक आना ही आना है. आगे देखते हैं. डिमांड इंक्रीज हुई, एज अ रिजल्ट डिमांड का विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. और हमें क्या शो करना है? इंक्रीज इन डिमांड ग्रेट ग्रेटर देन दिस. तो आप क्या करोगे? थोड़ा ज्यादा राइट को एक्सटेंड कर दोगे इसको. जो नया डिमांड कर्व बनाओगे, जो राइट को शिफ्ट कर रहे हो, अबाउट 2 सेंटीमीटर्स आप शिफ्ट कर दीजिए. D1 शुड बी पैरेलल ठीक है. सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, सप्लाई का विल शिफ्ट वर्ड्स राइट. अब कितना शिफ्ट करें? कम करना, ठीक है? यहां पे 1 सेंटीमीटर. Now the demand of commodity is shown by this demand curve. Supply is shown by this supply curve. है ना? Now both intersect at point. Corresponding to E1. Equilibrium quantity. And equilibrium price. दिख रहा है अब क्या impact पड़ रहा है? प्राइस के ऊपर और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई. यस. अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन बोल रही हूं, आपने लिखनी नहीं साथ साथ. सबसे पहले स्टार्टिंग ही यहां से होती है. मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम कॉरेस्पॉन्डिंग टू ई ओपी इज द इक्विलिब्रियम एंड is the equilibrium quantity. With increase in demand and supply, both the curves shifts towards right. Now, D1 intersects S1 at point corresponding to E1. OM1 is the equilibrium quantity, OP1 is the equilibrium right. Thus, it is clear when increase in demand is greater than increase in supply, EP rises to OP1, EQ rises to OM1. ठीक निकलोगे? कुछ भी नहीं है एक्सप्लेनेशन में, स्पेस छोड़ दो. यू नीड टू राइट इट एंड ऑलवेज राइट इन बुलेट्स. उससे आपको लर्न करना इजी रहेगा, ठीक है? ओके. सिचुएशन 3, इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन डिमांड लेस देन increase in supply.
So when, with proportionate change in demand, there is more than proportionate change in supply. When, with proportionate change in demand, there is more than proportionate change in supply, equilibrium price will fall, decrease. EP will decrease as shown with the help of following diagram. So diagram mein sabse pehle kya banna hai? Box. Phir cross. O P E M. E se hum supply ka. E se hi hum demand ka. ठीक है, निकालेंगे. अब डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स न्यू डिमांड कर्व D1. कितना शिफ्ट करेंगे, ज्यादा कि कम? कम, क्योंकि हमें सप्लाई में ज्यादा करना. सो D1 न्यू डिमांड कर्व, इतना ज्यादा नहीं ऐसे शिफ्ट कर देना कि क्रॉस ही ना करे, इंटरसेक्ट कर जाइए, ध्यान में रख लेना. S1 बोथ द कर्व्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट. रजत साथ साथ बनाओगे बेटे तो समझ में आएगा, आप देखते रहोगे फिर नहीं समझ में आना, बाद में बनाना शुरू करोगे तो. तभी मैंने एक क्रॉस पहले बनवाया, अब दैट वॉज द टाइम गिवन टू यू टू मेक इट इन योर ओन नोटबुक्स. यू आर स्टिल कमिटिंग द सेम मिस्टेक. घर में बैठे नोटबुक नहीं पकड़ी होती थी, अभी नोटबुक और पेन पकड़ा हुआ है लेकिन कर कुछ नहीं रहे, सो यू आर एट सेम स्टैंडिंग. अपने आप को धोखा दे रहे हो. E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी OM1, प्राइस OP1. ठीक है, क्या इंपैक्ट पड़ा? सो एक्सप्लेनेशन. पहला पॉइंट अमित, डायग्राम को एक्सप्लेन करो, पहला पॉइंट बोलो. सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पहले सप्लाई तो इंक्रीज तो करो. हाँ, नकल में भी कहते हैं ना अकल चाहिए. विद इंक्रीज इन डिमांड, इसको नेक्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हो. विद इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई बोथ शिफ्ट वर्ड्स. नेक्स्ट पॉइंट, D1 इंटरसेक्ट at point corresponding to E1, and thus it is clear that when increase in demand is less than increase in supply, equilibrium price falls to OP1. P1 kuch nahi hai, OP1. And equilibrium quantity also falls to it rises to OM1. Clear? So if you are asked a question, आपको वाइवा में क्वेश्चन आ जाता है कि बेटे डिमांड इंक्रीज हुई, साइमल्टेनियसली सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, बताओ इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा?
डिमांड इंक्रीज हुई, मैंने कहा बेटे मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ गई है तो सप्लायर्स ने उसकी सप्लाई भी बढ़ा दी है, तो इसका मोबाइल की प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप बोलोगे वी कांट टेल अंटिल वी नो हाउ मच इज द चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन डिमांड. इक्विलिब्रियम प्राइस मे चेंज, इट मे नॉट चेंज, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन वेदर इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन. समझ में आया? मतलब माय क्वेश्चन वाज जनरल, इट वाज नॉट स्पेसिफिक. देयर वर थ्री आंसर्स, सो यू कैन आस्क कि मैम बताओ जब सप्लाई में इंक्रीज आया कितना आया एज इन रिलेशन टू डिमांड. अगर मैं बोलूं उतना ही आया तो आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं कहूं डिमांड ज्यादा बढ़ी लेकिन सप्लाई में कम चेंज आया, अगर मैं बोलूं डिमांड में चेंज कम आया सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है मोबाइल फोन्स की, प्राइस विल फॉल. ठीक है? सो नेवर से इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज, इट विल डिक्रीज, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, इट डिपेंड्स. इज इट क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट? इसमें बी केस साइमल्टेनियस डिक्रीज कितना तू होने लग गया जब खुद बनाने पड़ गए डायग्राम, है ना? साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई. किसी कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो गई तो सप्लायर चुपचाप बैठा रहेगा? स्मार्टफोन्स आए, मोबाइल फोन्स जो पुराने आउटडेटेड मोबाइल फोन, उनकी सप्लाई उतनी रही के कम हो गई? आज अगर आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए वो पुराने वाले फोन लेने होते हैं तो कोई आपको वैरायटी मिलती है? यानी उसकी सप्लाई डिक्रीज हो गई. तो ऐसी सिचुएशन में व्हेन देयर इज साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी? क्वांटिटी का तो आप बता ही सकते हो, क्वांटिटी विल डेफिनेटली डिक्रीज, बट द इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस अगेन डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन whether decrease in demand is equal to decrease in supply or less than or greater than decrease in supply. So again we will be studying three situations. Situation one, likho. Situation when one, decrease in demand is equal to decrease in supply. Okay, this we will do tomorrow.